हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर 12th ऑफ RCCD। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके, मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का जो कॉलम उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे, और डिज़ाइन ऑफ ए स्क्वायर कॉलम और स्क्वायर शेप का जिसकी चारों डायमेंशन बराबर होती हैं, ठीक है, विद आइसोलेटेड फुटिंग्स। सो वी विल स्टार्ट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। So first is rectangular column. So a rectangular RCC short column of size 250 mm into 400 mm. Okay, so 250 into 400 size a column ka is to be designed to support an ultimate axial load of 1600 kN. ठीक है, जो load की value दी हुई है P की वो है 1600 kN. Okay, so design the suitable HYSD reinforcement in column using M20 grade यूज़ करना है, और ई मिनिमम जो है सेंट्रिसिटी मिनिमम जो है हमने अज्यूम करनी है कितनी, इट शुड बी लेस देन 0.05 D। मीन्स जो उसकी टोटल 0.05 डेप्थ उसकी सेंट्रिसिटी ज्यूम करनी है, ठीक है। सो साइज ऑफ कॉलम कितना है, साइज ऑफ कॉलम दिया हुआ है हमें 250 इंटू 400 mm, और लोड है उसके ऊपर 1600 kN का। ओके, सो इसकी वैल्यू अगर न्यूटन में करेंगे, क्योंकि mm में है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में वैल्यूज पाने के लिए न्यूटन में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60 उसके साथ 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूटन मीन्स एक किलो न्यूटन के अंदर 1000 न्यूटन होते हैं। सो FCK की वैल्यू है जो कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू 20 N/mm², एंड FY की वैल्यू है 415 N/mm². ओके, सो ई मिनिमम हमें गिवन है कि इतना है सेंट्रिसिटी 0.05 D। नेक्स्ट इज एज मिनिमम सेंट्रिसिटी वॉज लेस देन 0.05 D, देयर फॉर फॉर्मूला एज मैंशनड इन IS कोड कैन बी यूज। जो हमारा IS कोड है IS 456 इज़ टू 2000, जो हमारा IS कोड है वो हमने यूज़ करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी बार, ठीक है, IS कोड। सो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के प्लेन पेजेस के ऊपर वन साइड या टू साइड प्रिंटिंग करके तो उसको आप एग्जामिनेशन के अंदर ला सकते हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अदर सोर्सेज ना हो, ठीक है। सो PU जो लोड अल्टीमेट लोड दिया गया है उसकी वैल्यू एक फॉर्मूला क्या होता है IS कोड के अकॉर्डिंग, इट इज़ 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। अब ग्रोस एरिया कितना हो गया कॉलम का ब्रेड्थ इनटू डेप्थ करके, ठीक है, तो 250 इंटू 400, तो ग्रोस एरिया आ गया 1 lakh mm². ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, ग्रोस में से स्टील का निकाल देंगे तो स्टील का एरिया कितना है अभी पता नहीं, तो ग्रोस कंक्रीट का है 1 lakh में से स्टील का निकाल देंगे। अब स्टील का एरिया निकालना है हमें, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन अबव फार्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर निकालेंगे ASC फाइंड आउट करने के लिए। सो ASC फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले लोड की वैल्यू पुट की, हमारे पास गिवन है 1600 × 10³ न्यूटन और 0.4 वैसे का वैसे, फिर FCK आ गया 20, फिर उसके बाद AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, 10,000 माइनस ASC, फिर प्लस 0.67 FY 415 है, और ASC हमें निकालना है तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ओके। नेक्स्ट इज लोड इधर है, उसके बाद ये वाली वैल्यू 20 × 0.4 किया तो 8 आ गया, तो 8 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो उतना आंसर निकालना कि 8 lakh माइनस 8 ASC, तो 278.05 ASC आ जाएगा। अब सिर्फ ASC निकालना है, ASC का स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, सीधा निकल जाएगा, मींस 278.5 में से 8 गए तो 270.05 ASC रह जाएगा ना, तो इसको इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, 1600 × 10³ मीन्स 16 lakh, ओके,
तो 80 लाख में से 16 लाख हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसको आप करेक्ट कर लेना। ओके, इस वैल्यू को आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 8 लाख में से ये वाली वैल्यू अभी माइनस भी करनी है। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आप करेक्टेड वैल्यू लिख लेना। ओके, तो उसके साथ जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसके साथ 270.05 डिवाइड हो जाएगा, देन एएससी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, 3000 mm². नेक्स्ट इज चेक फॉर मिनिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील के लिए मिनिमम एरिया कितना चाहिए एज़ पर आईएस कोड 456:2000, यही कोड का नाम है। ओके, प्रॉपरली मिनिमम परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील रिक्वायर्ड इज़ 0.8% ऑफ एजी, मीन्स ग्रोस एरिया जो पूरा का पूरा था 1,00,000 mm², उसका 0.8%। तो 0.8% ऑफ एजी किया, 0.8% ऑफ 1,00,800 mm² इसका आंसर आ गया। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज़ मोर देन मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट, हैंस इट इज़ ओके। ओके, हमें जो दिया गया है मिनिमम 800 है, ठीक है, हमने कितना एएससी प्रोवाइड, 3000, तो ओके है। टू फाइंड नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स जितना हमने सरिया दिया है उसमें कितने बार यूज़ किए जाएंगे, कितने सरिया लगेंगे, तो अगर हम 20 mm बार यूज़ करते हैं कॉलम के अंदर तो एरिया ऑफ वन बार इज 20 mm, तो एरिया वन बार निकाल लिए पाई स्क्वायर बाय 4 निकाल के, तो 314.16 mm². नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड, जो एरिया हमें चाहिए 3000 और उससे एक बार के एरिया से डिवाइड कर दिया तो 9.55 बार आ जाएंगे, मीन्स हमने 10 बार रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर यूज़ करने हैं। ओके, 10 बार्स। नेक्स्ट इज एज नंबर ऑफ बार्स आर मोर देयर फॉर यूजिंग 25 mm, सरिया बढ़ा दो। अब 10 बार्स यूज़ करने मुश्किल है, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो 4 तो कॉर्नर्स पे लगा दिए, ठीक है, और 4 बीच में आ गए, तो फिर भी हमें मतलब 8 बनते हैं, तो हमें 10 ज़्यादा लग रहा है, तो हम सरिया थोड़ा मोटा यूज़ कर लेंगे 25 mm। 1 25 mm बार का एरिया कितना हो जाएगा, 490.87 mm². नेक्स्ट नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, जो 3000 सेम एरिया जो है हमारा स्टील का, तो उसमें से उस बार डिवाइड कर देंगे तो 6.11 बार्स आ गए, ठीक है, 7 बार्स और 8 बार्स। ओके, 8 बार्स हम यूज़ करेंगे उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताया, 8 यूज़ होने हैं। हैंस एएससी प्रोवाइडेड इज 8 × 490.86, हमें 3926 एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दिया कॉलम को। नेक्स्ट इज डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज, अब वो जो सरिया है इस प्रकार से, ठीक है, जो आपके 25 mm बार्स हैं ऐसे जो कॉलम पिलर के अंदर खड़े हैं, तो उसको ऐसे लेटरल टाइज लगानी है, ठीक है, बांधने के लिए सबके सबको आले वाले, जैसे इस प्रकार से एक लेटरल टाई है, ठीक है, इसके अंदर बार्स हैं। ओके, सो अब लेटरल टाइज कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, डायमीटर ऑफ बार टू बी यूज्ड एज लेटरल टाई मस्ट बी ग्रेटर देन फॉलोइंग। डायमीटर जो लेटरल टाई जैसे बनानी है वो क्या होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, सो पहले 6 mm से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद 1/4 टाइम द डायमीटर मेन बार, 25 का बार हमने यूज़ किया है तो 6.75 mm से बड़ा होना चाहिए, 6 से भी मीन्स 8 ही हो गया, डेट इज़ 1/24 × 25 मीन्स 6.25, तो 8 mm हम यूज़ कर रहे हैं, 8 mm बार यूज़ करेंगे लेटरल टाई बनाने के लिए। ओके, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द लेटरल टाई शुड बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स कॉलम के अंदर, ठीक है, ये सरिये लगे हुए हैं और लेटरल टाई ऐसे इतने दूर होने चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस, ओके, मीन्स सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी, तो 300 mm से कम शुड बी लीस्ट ऑफ, जिसकी वैल्यू इन तीनों में से कम आएगी वो लेनी है, 300 mm, या फिर लीस्ट लेटरल डिमेंशन 250 mm। ओके, सो यहाँ पे 16 टाइम्स डायमीटर, 16 × 25 400 mm, तीनों में से कम कौन सी है, 250, तो हैंस प्रोवाइड 8 mm टाई एट 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज स्क्वायर कॉलम हम डिज़ाइन करेंगे,
डिज़ाइन अ शॉर्ट एग्जली लॉटेड स्क्वायर कॉलम 500 mm x 500 mm, 500 x 500 का साइज बराबर है। सो फॉर ए सर्विस लोड ऑफ, अब लोड कितना दिया हुआ है 2000 kN, ओके सर्विस लोड दिया हुआ है हमें, डिज़ाइन लोड नहीं दिया हुआ। सो यूज़ M20 kilo कंक्रीट एंड Fe450 steel, सेम कंक्रीट स्टील यूज़ करना है। तो साइज ऑफ कॉलम दिया हुआ है हमें 500 x 500, सर्विस लोड पी दिया हुआ है 2000 kN, हमने पी यू अल्टीमेट निकालना है। तो पी यू की वैल्यू पी को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो 2000 × 1.3000 kN का लोड हो गया और 3000 × 10³ N इसका लोड आ गया। ओके सो टेकिंग लोड फैक्टर इज इक्वल टू 1.5, सो अल्टीमेट लोड आ गया। नेक्स्ट चेक फॉर मिनिमम सेंट्रिसिटी, व्हेन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज नॉट गिवन देन अज्यूम दैट ई मिनिमम 20 mm, 20 mm सेंट्रिसिटी है सर, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं करेगा सेंटर वाला, बट ई मिनिमम इज शुड बी लेस देन 0.05 D, वेयर ई 0.05 D इज 0.05 × 500, क्योंकि 500 इसकी डेप्थ है, साइड भी सारे के सारे चारों 500 की हैं, तो 0.05 × 500, सो 25 mm शुड बी ग्रेट इज गुड ग्रेटर देन 20 mm, हैंस ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 D। ओके देयर फॉर द फॉर्मूला फॉर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम इज एप्लीकेबल, ओके शॉर्ट कॉलम के हिसाब से ड्राइंग ड्रॉ करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। डेट इस पी यू की वैल्यू फॉर्मूला सेम आ गया 0.4 CK FCK ASC प्लस 0.67 FY ASC, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ए एस सी वैल्यू पुट की। ओके सो हमने एक चीज़ निकालनी रहेगी, ग्रोस एरिया कितना निकलेगा, ए जी ग्रोस एरिया, तो 500 × 500 हो जाएगा, दोनों साइड 500 की हैं और साइड का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 25,400 आगे लग जाएंगे, ठीक है मींस 25 lakh mm². नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू 3000 × 10³, 0.4 FCK 20, ए जी माइनस ए एस सी आ गया ए सी की वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एसी की वैल्यू क्या होती है, एसी होता है एरिया ऑफ कंक्रीट, अब जो हमारा एक कॉलम है उसके अंदर हमने कल अकेले कंक्रीट का एरिया निकालना है, ये सरिये लगे हुए हैं, ठीक है, तो कंक्रीट का एरिया निकालने के लिए हमने हमें एरिया ऑफ स्टील जो सरिये हैं उसका माइनस करना होगा बीच में से, पूरे किस में से, पूरे में से, ग्रोस में से, तो ग्रोस में से हमने स्टील का माइनस कर दिया तो उससे कंक्रीट का एरिया आ जाएगा। ओके सो 3000 × 10³ लोड, फिर 8 × 25 lakh - ASC 278.05 ASC, ओके 3000 × 10³ इज इक्वल टू 2 lakh 20 lakh - 8 ASC प्लस 278.05 ASC, ASC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब सी यहाँ से ASC की वैल्यू आ जाएगी 3703 mm², यूजिंग 25 mm बार्स। आप देखिए कि मीन्स 30 लाख में से इस बार इसने माइनस किए हैं, पिछले न्यूमेरिकल में नहीं किए थे, 30 लाख में से 20 लाख गए तो 10 लाख आ गए, ठीक है, तो उसको 8/70 डिवाइड किया तो एरिया आ गया 3703 mm², ओके तो ये स्टेप आपने करने हैं। Using 25 mm bars, area of 1 bar AS is कितना आ जाएगा, 25 mm bar यूज़ करेंगे तो 3703 के लिए हमें, तो area of 1 bar आ जाएगा 20π d² / 4, तो d 25 पुट करके 490.87 mm². नेक्स्ट इज नंबर ऑफ bars रिक्वायर्ड, अब bars कितने लगेंगे, टोटल एरिया में से डिवाइड करते हैं उसके साथ जो हमारा एक बार का एरिया है, तो 3703 / 490.87 7.54 bars means 8 bars लगेंगे, ओके ASC provided is 8 × 490.87, ओके ASC भी provided है वो 490.87 into 8 times 8 bars लगने हैं तो 8 times करके 3927 दे दिया, चाहिए कितना था 3703। यूजिंग 25 mm bar, एरिया 1 bar हो गया, ठीक है, नंबर एरिया लेटरल टाइज कैसे डिजाइनगी सेम, सो देर शुड बी ग्रेटर दैन 6 mm, 1/4 और
यूज 8 mm बार फॉर लेटरल टाइज। ओके, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज कितने हो जाए, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 500 के बराबर या 300 या फिर 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। ओके, सो डायमीटर कितना लॉन्गिट्यूडनल बार का, 25 mm, तो उसका 16 टाइम्स किया तो 400 mm आ गया। ओके, सो देयरफॉर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड 300 mm, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, इट शुड नॉट एक्सीड 300 mm। ओके, हैज प्रोवाइडेड 8 mm लेटरल टाइज एट 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स इज इक्वल टू 500 500, तो हमारी ठीक है कॉलम की विड्थ और डेप्थ होगी 500 में से। ओके, 2 × 40 इफेक्टिव कवर, 2 × 40 40 निकाल दिया, -2 × 8, तो जो स्टीरअप है इसके आगे वाले ये वाला 8 mm का, तो उसका भी ट्वाइस निकाल दिया। ठीक है, सो ये आ गया हमारा इफेक्टिव लेंथ एक्चुअली, सॉरी एज इट इज़ ग्रेटर देन 48 टाइम्स ऑफ द डायमीटर मीन्स 404 आया लेटरल टाई, देन 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लेटरल टाई, देन देयरफॉर प्रोवाइड एन एडिशनल टाई और डबल टाई इन टू सेट ऑफ लेटरल टाइज शोन इन फिगर। ओके, मीन्स इस प्रकार से लेटरल टाई लगानी है, एक तो ये वाली लगानी है या अपने लेटरल टाई और एक ये वाली लगानी है टू सेट्स ऑफ, क्योंकि इन बार्स तो ये वाले बार्स तो कॉर्नर वाले बन जाएंगे एक लेटर टाइज, मिडल वालों के लिए अलग लेटरल टाई लगानी है। ओके, सो आपको ऐसे डिज़ाइन करना है प्रॉपरली, ओके, सो बना के देना स्क्वायर, उसके बाद उसके अंदर बार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एट बार इस तरह लेटर टाई लगानी है, ये तो लगी हुई है। ओके, सो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है आफ्टर द न्यूमेरिकल, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू स्टूडेंट्स।